झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जिन सपनों को लेकर बिहार से अलग झारखंड का निर्माण हुआ था वो सपना ही रह गया है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा है कि 25 सितंबर को वो रांची में एक बड़ी रैली जनादेश समागम के जरिए चुनावी शंखनाद करेंगे। बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी ब्रजेश राय ने। झारखंड में चुनावी विसात सज चुकी है, सभी राजनीतिक दल चुनावी यात्रा पर निकले हैं। बाबूलाल मरांडी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जनादेश समागम कर रहे हैं और एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं राज्य की जनता को एक बार फिर से। हमारे साथ हैं बाबूलाल मरांडी जी। सर, आप राज्य के पहले मुख्यमंत्री, आप जब थे उसके बाद से झारखंड अब कहाँ नजर आ रहा है? देखिए, झारखंड की जनता ने जिस उम्मीद के साथ राज्य बनाया था और लोगों की जो सपना था, तो वो सपना पूरी तरह से बिखर गया। जितनी भी समस्याएं राज बनने के पूर्व थी, वो समस्या आज बिल्कुल वहीं कर वहीं मुंह बाए खड़ी है। उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया। यहाँ जो गरीबी है और शिक्षा है, बेरोजगारी है, विस्थापन है, तो ये सारे के सारे समस्या जस के तस है, उसमें से कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि झारखंड की लोगों की जो सपना है अलग राज्य बनाने का, वो वहीं पर पड़ा हुआ है, उसको किसी ने कोई एड्रेस नहीं किया। सर, ये चुनाव की बारी आ चुकी है एक बार फिर से और बीजेपी सरकार अब की बार 65 पार का नारा दे रही है और रघुवर दास खुद संथाल परगना से लेकर तमाम जगहों पे जनादेश यात्रा पर निकले हुए हैं। जोहार, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहेंगे क्या, उसी से ध्यान में आता है कि 5 साल तक इन्होंने वैसा काम कुछ नहीं किया जो उनको लोग याद करते हैं। कि अब उनको गांव-गांव जाना पड़ रहा है आशीर्वाद लेने के लिए, तो ये अस्पष्ट है। अगर 5 साल वो काम किए होते तो मुझे नहीं लगता है कि इतना वो परेशान होते या उनके पार्टी के नेता इतना तकलीफ लोगों को उठानी पड़ती। बातें वो बड़ी बड़ी कर रही हैं कि 65 पार की, कहीं उल्टा ना हो जाए। तो ये अभी समय है, इसलिए उसके इंतजार करिए। लेकिन इतना तो तय हो गया कि उन्होंने 5 वर्षों में कुछ काम नहीं किया, तो आज वो परेशान दिख रहे हैं। बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और इनके शासन काल को झारखंड की जनता आज भी याद करती है। जनादेश समागम 25 सितंबर को ये करने जा रहे हैं और उस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाह टिकी होगी और सबसे बड़ी बात है कि वो उस मैदान में करने जा रहे हैं जो रांची का आज की तारीख में सबसे बड़ा मैदान कहा जाता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की सभाएं होती रही हैं। पहली दफा किसी राजनीतिक दल ने हिम्मत किया है उस मैदान में सभा करने का। अब देखना दिलचस्प होगा कि 25 सितंबर को आखिर क्या कुछ तस्वीर उभर कर सामने आ पाती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV, रांची।